अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंस्टेंट क्लासिक कुकिंग। आज मैं आपसे वर्मसिली डेजर्ट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही इजी रेसिपीज़ है। पहले बनाएंगे कुनाफा, जो कि बहुत ही फेमस अरेबियन डेजर्ट है। इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे पैन में। तो इसके लिए हमें चाहिए कुनाफा डो, 1 कप दूध, 1/2 कप शक्कर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर, 1/2 कप थिक क्रीम, 1/2 टीस्पून शक्कर और थोड़े से पिस्ते। यहाँ मैंने शक्कर 2 बार लिया है, वो मैं आगे बताऊँगी। यहाँ मैं पैन में डाल रही हूँ 1/2 कप शक्कर। अब हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास वाटर। 1/2 कप शक्कर में 1 ग्लास वाटर डालेंगे और इसको 7 to 8 मिनट्स तक पकाएंगे, इसमें जब तक तार नहीं आ जाता। तो इसको एक बार अच्छे से हिलाएंगे और मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं और एक पैन लूँगी, इसमें हम डालेंगे दूध और इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया है, शक्कर, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप फ्लेम ऑन कर देंगे तो इसमें लम्स फॉर्म होंगे, इसीलिए आप पहले अच्छे से इनको मिक्स कर लें। यहाँ ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसके फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको पकाएंगे। देखिए, मैंने जो 2 बार इंग्रेडिएंट्स में शक्कर लिया था, 1/2 कप शक्कर हम शीरे में डाले हैं और 1/2 टीस्पून शक्कर इस दूध में डाले हैं। तो देखें, यहाँ दूध पकते पकते थिक होना स्टार्ट हो रहा है। हमको अच्छे से इसको थिक क्रीम के टाइप में बनाना है। ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। देखें, हमारी कुनाफा क्रीम रेडी है, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने लिया है कुनाफा डो, अब हम इसको इसमें से 1/2 यूज़ करेंगे। ये बहुत ज़्यादा है, इसमें आसानी से 2 कुनाफे बन जाते हैं। अगर आपके में कुनाफा डो नहीं मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो नॉर्मल सेवैयाँ होती हैं, बारीक सेवैयाँ, आप उसको भी यूज़ करके कुनाफा बना सकते हैं, बहुत अच्छा कुनाफा बनेगा। सेम यही मेथड फॉलो करें। कुनाफा का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है, इस डो को आप अच्छी तरह से अलग करें और छोटा छोटा इसको कट कर लें इस तरह से। यहाँ कुनाफा डो अच्छी तरह से खुल चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मेल्टेड बटर। ये अनसॉल्टेड बटर है और इसमें आप अनसॉल्टेड ही यूज़ करें, नहीं तो इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। अच्छी तरह से हम इस मेल्टेड बटर को इसमें मिक्स करेंगे ताकि इस डो में अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो जाए। देखें, बटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब हम इसको साइड में रख देंगे और शीरे को चेक करेंगे। देखिए, यहाँ शीरा रेडी है कुनाफा के लिए। देखिए, इसमें तार भी आ रहा है, तो इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको भी साइड में कर देंगे। यहाँ मैंने पैन लिया है, अब हम इसको बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे कुनाफा डो और इसका एक बेस बना लेंगे। इस तरह से स्प्रेड करें इसको कि ये पैन छुप जाए। अब हम इसको एक छोटे से बाउल से अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये बॉटम में सेट हो जाए। तो ये यहाँ हो गया, अब हम इसके ऊपर क्रीम डाल लेंगे जो हमने बनाई थी। आप सिर्फ इस क्रीम को भी डालकर कुनाफा बना सकते हैं, पर मैं इसके ऊपर थिक क्रीम की भी लेयर लगाऊंगी, इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। वैसे तो कुनाफा अलग अलग टाइप से बनाया जाता है, थोड़े लोग चीसी बनाते हैं, थोड़े लोग क्रीमी बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, अब हम इसके ऊपर इस तरह से थिक क्रीम की भी लेयर लगा लेंगे और इसको भी अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इसका ध्यान रखें कि ये जो क्रीम है वो डो से बाहर ना आए, नहीं तो फिर आप जब कुक करेंगे तो ये क्रीम जल जाएगी। देखिए, यहाँ हमारी क्रीम अच्छे से स्प्रेड हो चुकी है, अब हम इस डो का और एक लेयर भी लगा लेंगे। और अब हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे उसी बाउल से
ज़्यादा प्रेस ना करें नहीं तो क्रीम बाहर आ जाएगी। अब मैं इसके कॉर्नर्स को इस तरह से क्लीन कर लूँगी, एक राउंड शेप देंगे हम इसको। देखिए यहाँ हमारा कुनाफा रेडी है कुक होने के लिए। अब हम इसको लिड से कवर करके 4 to 5 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको टर्न करेंगे। इस तरह से आप इस पैन पर एक प्लेट रखें और इसको आहिस्ता से टर्न कर लें। देखें कितना प्यारा ये कुक हो चुका है। अब हम इसी पैन को रखेंगे और फिर से ग्रीस करेंगे बटर से, और दूसरी साइड हम इस कुनाफे की डाल देंगे। बहुत एहतियात से डालें आप इसको। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी शीरा, शक्कर का शीरा जो हमने बनाया था। इस तरह से आपको जितना मीठा पसंद है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने जितना भी बनाया था मैं सारा डाल रही हूँ। अच्छा एब्जॉर्ब होना चाहिए कुनाफे में शीरा। अब हम इसको लिड से कवर करेंगे, फिर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। देखें अच्छे से पक रहा है। अब हम फिर से लिड से कवर करेंगे और 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। देखें यहाँ हमारा कुनाफा रेडी है, शीरा भी एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम इसके साइड्स को और नीचे से अच्छे से इसको लूज़ कर लेंगे, नहीं तो अगर सेवैयाँ चिपक जाएँ तो फिर कुनाफा सारा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारे साइड्स को अच्छी तरह से लूज़ कर लें पहले और फिर उठाएं। अब हम इसको इस तरह से प्लेट रखेंगे और टर्न कर लेंगे। आप इसको किसी भी तरह डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा पिस्ता इसके ऊपर डाल दिया है। अब हम इसको कट करेंगे और सर्व करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैं अब बना रही हूँ अरबिक वर्मसिली स्वीट। आप इसको डिफरेंट डिफरेंट फिलिंग के साथ बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट फिल करके, डेट्स फिल करके या फिर खोवा फिल करके। तो आज हम इसको खोवा फिल करके बनाएंगे। बहुत ही जल्दी और इजीली बन जाता है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप दूध, 1/2 कप मिल्क पाउडर, 1 टेबलस्पून घी, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 टेबलस्पून शक्कर। यहाँ मैंने लिया है सॉस पैन, इसमें डालेंगे घी। जैसे ही ये मेल्ट होगा इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। आप घी की जगह बटर को भी यूज़ कर सकते हैं, बट अनसॉल्टेड बटर होना चाहिए। अब इस दूध को हम बॉईल आने तक पकाएंगे। देखिए यहाँ बॉईल आ चुका है, इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। इसी तरह से कंटिन्यूस मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 4 to 5 मिनट्स लगेंगे इसको थिक होने के लिए। देखिए दूध गाढ़ा हो रहा है और थिक होने तक हम इसी तरह पकाते जाएंगे मिक्स करते हुए। अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी इलायची पाउडर। इसी तरह से कंटिन्यूस मिक्स करते रहें, नहीं तो नीचे से ये लग जाएगा। मैंने शक्कर को भी ऐड कर दिया है। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी फिलिंग की। चलिए अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम शीरा रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप पानी लिया है, इसमें डालेंगे 1 कप शक्कर और अब इसको मेल्ट होने तक मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स आप इसको पकाएं। देखें यहाँ शीरा रेडी हो चुका है पककर। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ शीरा रेडी हो चुका है, चलिए इसको साइड में रख देंगे।
यहाँ मैंने खोए को ठंडा कर लिया है, अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स रेडी करेंगे। इस तरह से प्रेस करते हुए राउंड राउंड बॉल्स बना लें। सेम इसी तरह मैं सारे बॉल्स रेडी कर लूँगी। देखिए मैंने यहाँ खोवे के बॉल्स रेडी कर ली है, इसको साइड में कर देंगे और इस बेकिंग पैन को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल, बटर या घी कुछ भी आप लगा सकते हैं। चलिए इसको साइड में कर देंगे। यहाँ मैं सेवैयाँ ले रही हूँ, जो बहुत ही बारीक सेवैयाँ आते हैं उसी को आप यहाँ इस्तेमाल करें। वही सेवैयाँ इस तरह से रोल होंगे, एकदम बारीक हो तो इस तरह से इसको स्प्रेड करें। एकदम थिन लेयर सेवैयों की इस तरह से स्प्रेड कर लें। और अब हम इसके ऊपर खोवे के बॉल को रखेंगे और वाइस वर्सा रोल करते जाएंगे, एक बार राइट साइड और एक बार लेफ्ट साइड। जैसे ही अंदर की फिलिंग सेवैयों से छुप जाएगी कम्प्लीटली, तो जब आप एक्स्ट्रा सेवैयों को इस तरह से कट कर दें। इसको हम बेकिंग पैन में रख देंगे। सेम इसी तरह मैं सारे बाइट्स रेडी कर लूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे वर्मिसली बाइट्स रेडी कर ली है। चलिए अब हम इसको बेक करने के लिए अवन में रखेंगे। मैंने अवन को 180 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया था। अब हम इसको 15 मिनट्स तक अप एंड डाउन कॉइल्स पर बेक करेंगे और फिर निकाल लेंगे। यहाँ वर्मिसली स्वीट्स बहुत ही परफेक्टली बेक हुए हैं। अब हम इसके ऊपर शीरा डालेंगे। गरम गरम स्वीट्स के ऊपर ही आप शीरा डाल दें तो ये जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आप इसको विदाउट ओवन बेक करना चाह रहे हैं तो आप मेरी कुनाफा की रेसिपी देखें। सेम उसी तरह इसको भी आप पैन में बेक कर सकते हैं। जितना ज़्यादा मीठा आपको पसंद है उतना शीरा डालें और इस डिलीशियस रेसिपी को इंजॉय करें। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता पाउडर डालेंगे और फिर सर्व करेंगे। आप पिस्ते की जगह कोई भी दूसरा ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखें यहाँ हमारी बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल अरबिक वर्मिसली स्वीट रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और यूनिक मैंगो वर्मिसली डेजर्ट। ये बहुत आसान है, चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेवैयों के कप्स प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप सेवैयाँ, 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क, 2 टेबलस्पून घी और 2 टेबलस्पून शुगर। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें डालेंगे घी, सेवैयाँ, इसको हम लाइट ब्राउन होने तक घी में भूनेंगे लो फ्लेम पे। कंटिन्यूस पैचुला चलाते हुए भूनें, नहीं तो ये बहुत आसानी से जल जाते हैं इस तरह से। देखिए ये ऑलमोस्ट लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर 2 टेबलस्पून, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं शुगर मेल्ट होने तक। देखें शुगर ऑलमोस्ट मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क, इससे सेवैयों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये आसानी से स्टिकी हो जाते हैं बॉल बनाने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कर लें। हाँ, हमने कंडेंस मिल्क को भी मिक्स कर लिया है। अब हम ये इसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसे बाउल प्रिपेयर करेंगे। मेरे पास यहाँ कपकेक मोल्ड्स हैं, मैं इसकी मदद से वर्मिसली बाउल्स प्रिपेयर करूँगी। आप इसकी जगह कोई भी नॉर्मल छोटा सा बाउल यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ सारे मोल्ड्स को ग्रीस कर लिया है घी से। अब हम इसमें ऐड करेंगे सेवैयाँ, सारे मोल्ड्स में ऐड कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से प्रेस करते जाएंगे
ताकि ये अच्छे से टाइट बाउल की तरह प्रिपेयर हो जाए। देखें ये बाउल की तरह प्रिपेयर हो गया है, एकदम टाइट। इसी तरह मैं सारे मोल्ड्स को कर लूँगी प्रेस करते हुए। आप देख सकते हैं सारे मोल्ड्स प्रिपेयर हो गए हैं। अब हम इसको 30 से 45 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे, तो ये जाएंगे रेफ्रिजरेट होने। तब तक हम प्रिपेयर करेंगे मैंगो और सेवैयों की खीर। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैंगो पल्प, 1 ग्लास दूध, 1 टेबलस्पून भुने हुए सेवैयाँ और 2 टेबलस्पून शक्कर। मैंने यहाँ पैन में 1 ग्लास दूध लिया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। जैसे ये थोड़ा सा थिक होगा, हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे सेवैयाँ, शक्कर, इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम चेक करते रहेंगे कि सेवैयाँ अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तब तक हम इसको पकाते रहेंगे और कंटिन्यूस हिलाते रहें ताकि नीचे से चिपके ना। इसको और थोड़ा सा पकने देते हैं। ऑलमोस्ट 4 मिनट्स हो गए हैं दूध को पकते हुए और सेवैयाँ भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम ऐड करेंगे कस्टर्ड। मैंने 1 स्पून कस्टर्ड को दूध में मिक्स कर लिया था। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारा कस्टर्ड इसमें मिक्स हो जाए और कोई लम्स ना बने। इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं खीर यहाँ थिक हो गई है। अब हम इसको फ्लेम ऑफ करके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने तक वेट करेंगे। यहाँ खीर ठंडी हो गई है ऑलमोस्ट, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो पल्प। 1 कप मैंगो पल्प यूज़ कर रही हूँ मैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएं और एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। देखिए सारे लम्स ख़त्म हो गए। इस तरह से हमारी मैंगो सेवैयों की खीर रेडी है। अब हम इसको सेवैयों के कप्स में डालकर गार्निश करके सर्व करेंगे। ये बहुत अमेजिंग और सुपर्ब डिश है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। चलिए अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। लास्ट में हम बनाएंगे अरबिक वर्मसली डेजर्ट। ये तो सुपर्ब और अमेजिंग रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसको हम इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से घर पर रेडी करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप सेवई, 1.5 कप टेबल पाउडर शुगर, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 टेबलस्पून बटर। जो बहुत बारीक सेवैयाँ आती हैं उसी को ही आप यहाँ इस्तेमाल करें। अब हम इन सेवैयों को इस तरह से खोल लेंगे और हाथ से ही क्रश कर लेंगे। जितना बारीक आप इसको क्रश करेंगे उतना अच्छा इस डेजर्ट का बेस बनेगा। तो देखें यहाँ मैंने इसको अच्छे से क्रश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, पाउडर शुगर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर, इसको भी सेवैयों में अच्छे से मलेंगे। आप अगर बटर नहीं है तो इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस बेकिंग पैन को बटर से ग्रीस कर लेंगे। अच्छी तरह कॉर्नर्स पे भी ग्रीस करें ताकि आसानी से डीमोल्ड हो जाए। अब हम इसके अंदर सेवैयाँ डालेंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। एक मोटा बेस बनाना है हमको इन सेवैयों का। टू कप सेवैयों में 8 इंच का डेजर्ट इजीली बन जाता है। इस तरह से मैंने यहाँ ऑलमोस्ट 2 कप सेवैयाँ यूज़ किए हैं। देखिए यहाँ मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसको एक छोटा सा बाउल लेंगे और उससे इसको प्रेस करते जाएंगे। थोड़ा सा ऑयली हो गया है हाथ मेरा, इसीलिए बाउल छूट रहा है। देखिए सेवैयों का एक टाइट बेस बन चुका है। मैंने ओवन को 180 डिग्री पे प्रीहीट होने के लिए ऑन कर दिया था। अब हम इसको 15 मिनट्स तक बेक करेंगे।
आप इसको विदाउट ओवन कोई भी कढ़ाई या फिर बर्तन में इसको बेक कर सकते हैं। चलिए ये बेक होते रहेगा। अब हम इसके लिए शीरा रेडी करेंगे। तो हम यहाँ लेंगे 3/4 कप शक्कर, 1/4 कप वाटर और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। सबसे पहले हम इन तीन इंग्रेडिएंट्स को इस पैन में मिक्स कर लेंगे। जैसे ही शक्कर मेल्ट हो जाएगी हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। देखें यहाँ शक्कर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको थिक होने तक पकाएंगे। जब तक इसमें तार ना आ जाए हम इसको पकाते जाएंगे मीडियम फ्लेम पे। ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स तक मैंने इसको पकाया है। इसको साइड में रख देते हैं और अब हम इसका क्रीमी कस्टर्ड बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप दूध, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, 1/4 कप शक्कर, 2 ड्रॉप वेनिला एसेंस। यहाँ मैंने सॉस पैन लिया है, इसमें डालेंगे 1 कप दूध। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है। पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद फ्लेम को ऑन करेंगे। शक्कर, कॉर्नफ्लोर, मैदा, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम इसको 4 to 5 मिनट्स तक इसी तरह हिलाते हुए पकाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। आप देख सकते हैं ये थिक होना स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से कंटिन्यूस हिलाते हुए आप पकाएं इसको। विस्कर से ही आप इसको इस तरह से मिक्स करें ताकि इसमें कोई लम्स फॉर्म ना हो और ये क्रीमी कस्टर्ड बने। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस और फ्रेश क्रीम। आप इसकी जगह थिक क्रीम को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 मिनट्स तक मैं इसको मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पकाऊंगी ताकि ये एकदम थिक हो जाए। यहाँ आप वेनिला एसेंस की जगह रोज़ वाटर या केवरा वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मैंने यहाँ पे मैदा और कॉर्नफ्लोर की स्मेल को दूर करने के लिए इसमें ऐड किया है। देखें ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस कस्टर्ड की। तो अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और मैं इसको इसी तरह से हिलाते हुए ठंडा करूँगी ताकि इसमें लम्स फॉर्म ना हो। चलिए सेवैयाँ बेक होकर रेडी है। अब हम इसको ओवन से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये बेक हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर शुगर सिरप डालेंगे। जैसे ही आप सेवैयों को ओवन से निकालेंगे इंस्टेंटली इस शुगर सिरप को आप इसके ऊपर डाल लें, नहीं तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगा और सेवैयाँ आपके कच्चे रहेंगे। देखिए यहाँ मैंने सारा शुगर सिरप ऐड कर लिया है। चलिए अब हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। इस तरह से एक प्लेट रखेंगे और इसको टर्न कर देंगे। आप देख सकते हैं सेवैयाँ कितना अच्छा बेक हुए हैं और शुगर सिरप भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। इसके ऊपर क्रीम को अप्लाई करेंगे। तो पहले अब हम इस क्रीम को अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले ये इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्रीम की, नहीं तो अगर पतला होगा क्रीम तो इसके ऊपर से निकल जाएगा, सेवैयों के ऊपर से निकल जाएगा वो। तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा कर सारा क्रीम डाल लेंगे। ज़्यादातर इस डिश को फंक्शंस में और पार्टीज़ में बनाया जाता है और टेस्ट वाइज में तो ये बहुत ही डिलीशियस होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इस क्रीम को सेवैयों के ऊपर स्प्रेड करेंगे। देखिए यहाँ मैंने क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। चलिए अब हम इसको डेकोरेट करेंगे, गार्निश कर देंगे। तो मैंने यहाँ लिया है पिस्ते का पाउडर और बादाम स्लाइसेस। अब हम इस पिस्ते के पाउडर को इस तरह से इसके सराउंडिंग्स में डालते जाएंगे। आप इसको किसी भी तरह डेकोरेट कर सकते हैं।
मुझे ये बेस्ट लग रहा है, तो मैं इसको इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। अब हम और एक सेम इसी तरह से सर्कल डाल लेंगे पिस्ते के पाउडर से। आप यहाँ ड्राई फ्रूट्स की जगह फ्रूट्स या चॉकलेट से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ मैंने पिस्ते के पाउडर से सेकेंड सर्कल भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम इसके अंदर बादाम के स्लाइसेस को इस तरह से डालते जाएंगे। ये डेजर्ट मैंने मोनेटाइजेशन की खुशी में बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। प्लीज़ कीप वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़ कम्प्लीटली। मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आपने देखा मैंने बादाम के स्लाइसेस को भी अच्छे से डाल लिया है। अब हम इसके सेंटर में भी इस तरह से बादाम को डाल लेंगे। और फिर इसके सेंटर में थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे। यहाँ हमारी अरबिक वर्मिसली डेजर्ट रेडी है। आई होप ये भी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इन फोर रेसिपीज़ में थ्री रेसिपीज़ अरबिक रेसिपीज़ हैं और इनको मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है। आप इनको ज़रूर ट्राई करिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। इसी से ही आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलेगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सी रेसिपी आपको सबसे बेस्ट लगी है। चलिए चलते हैं, इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। खुश रहें, सेफ रहें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।